सुप्रभात बच्चों, प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी यानी सुंदर भाषा, मधुर वचन। जैसा कि मैंने आपको 3 श्लोक बता दिए हैं, अब आज अपन 4th श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इसका मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। पीत्वा रसम तू कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्य मधुमक्षिकासो संत स्थेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। यहाँ पर जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वी रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग यानी सज्जन और दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। संत लोग यानी सज्जन दुर्जन में भेदभाव न करके दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। सज्जन पुरुष हमेशा फर्क नहीं करते हैं सज्जन और दुर्जन में, उनकी बात अच्छे से सुनते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी भी मीठा और कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार मैं आपको श्लोक नंबर 5 बताने जा रही हूँ। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवाकलम्बते प्रासाद सिंहवतम तस्यम मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, विहाय यानी छोड़कर, जो लोग पौरुषम यानी परिश्रम यानी मेहनत का, जो व्यक्ति निश्चयी पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का भरोसे यानी भाग्य का सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह यानी शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। इसी प्रकार 6th श्लोक में आपको बताने जा रही हूँ कि पुष्प पत्र फलम छाया मूल वक्लम दारु भी धन्या मही रुहा तेषाम विमुखा यान्ति नार्थिन। फूल पत्ते, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया जड़, छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष धन्य होते हैं, क्योंकि एक वृक्ष के अंदर फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं और वो हमें छाया भी देते हैं, जड़ भी होती है वृक्ष के अंदर, छाल छिलके लकड़ियाँ सब कुछ मौजूद होते हैं। वो वृक्ष धन्य होते हैं जिनसे मांगने वाले कभी भी विमुख या निराश वापस नहीं जाते हैं। एक वृक्ष से देखो बच्चों, फल भी मिलते हैं हमें, पत्ते भी प्राप्त होती हैं, अगर गर्मी में आते हैं अपन तो उसके नीचे बैठ जाए तो हमें छाया भी प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि वृक्ष से हम कभी भी निराश होकर वापस नहीं जाते हैं, हमें भी वृक्ष की तरह बनना चाहिए, सबके लिए उपकार करना चाहिए। वृक्ष सदैव परोपकारी होते हैं और वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भलाई करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार मैं आपको 7th श्लोक बताने जा रही हूँ। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाय न कूप खनेनम युक्तम प्रदीप्ते वही ना ग्रहे। निश्चय से विपत्तियों यानी मुसीबतों, विपत्तियों विपदाम यानी विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज यानी समाधान सोचना चाहिए।
आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। कभी भी विपत्ति आ जाए तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए। अगर आग लगती है तब कुआं खोदें तो क्या फ़ायदा, इसलिए पहले से ही हमें तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत यानी दुख का कारण न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आने से आने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। इसी प्रकार बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उन्हें पढ़िए। प्रथम प्रश्न में आपको इस श्लोकों को याद भी करना है और लिखना भी है। दूसरे प्रश्न के अंदर जो दिए हुए हैं उनके तद्भव शब्दों को आपको चुनकर लिखना है, और तीसरे प्रश्न के अंदर आपको एक पद में उत्तर देना है। चौथे प्रश्न में आपको रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। उदाहरण अनुसार पृथक्कृत यानी जो संधि है इनको आपको टुकड़े करके संधि करनी है। आगे भी मिलान दिया हुआ है, उसका आपको मेल करना है। धन्यवाद बच्चों, इसे प्रश्नों को पढ़िए और इनका हल ढूंढने का प्रयत्न कीजिए।